पिछले 2 दिनों ने मुझे पूर्ण रूप से दुखी कर दिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए आज मैंने सोलो वर्सेस स्क्वाड लगाया भाई। इस गेम के जरिए से मैं आवाज उठाना चाहती हूँ हम जैसे लोगों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ। इसलिए अपन ने आंदोलन शुरू किया है, हम जैसे सिंगल्स की खुशियों को स्वतंत्र करो, ये वैलेंटाइन की बकलोली बंद करो तब तक जब तक अपना मामला कहीं सेट नहीं हो जाता यार। सो हे गाइस, तुम्हारा स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। हूं शू लेमन, दुश्मन के लिए डेमन, दोस्त के लिए हेवन। अब यार जब तक मेरी जानदार शानदार लैंडिंग पूरी हो रही है, आओ तुम्हारे कुछ सवालों का जवाब दूं जो तुम कमेंट सेक्शन में आकर मेरे मुंह पर दे मारते हो। देखो, मुझे समस्या इन अजीबो गरीब दिनों से नहीं है, बल्कि इन अजीबो गरीब दिनों में जो अजीबो गरीब हरकतें मुझे करनी पड़ती है उनसे। रोज डे वाले दिन बगिया से फूल चुरा कर लाना पड़ता है, चॉकलेट वाले दिन पड़ोस के बच्चे की चॉकलेट छीन के खानी पड़ती है, मतलब क्या क्या करना पड़ता है यार। पर फिलहाल देखो यार, लूटपाट करेंगे क्योंकि सामने मामला बहुत गंभीर है। एक एम मिल गई, अब एक एक को कम करती जाऊंगी मैं। एक फिनिश, अब देखो बाकियों की क्या दुर्दशा करती हूँ। भाई बगल में सीरियल किलर है भाई। बॉट, अब यार मेरे द्वारा दिए हुए इस प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं? देखो तुम तो कुछ नहीं समझ रहे हो, मुझे पता है, मैं समझाती हूँ। सुनो भाई, जब से वैलेंटाइन शुरू हुआ है तुम्हारी लेमन के सामने कोई टिक ही नहीं रहा है भाई। दुश्मनों को पटक के मारती हूँ, घसीट के मारती हूँ, उठा के मारती हूँ, गिरा के मारती हूँ। जैसे ही दुश्मन नजर आ जाए वैसे ही मारती हूँ, जब नजर नहीं आता है तो नेड से मारती हूँ। तुम तो जानते हो तुम्हारी लेमन के सरस नेड करती है ना, तो अब तुम देखो इस नेड के जलबे। जलवे तो हुए थे, वो आंख बंद करके देखने वाले को दिखे बस। वो सब छोड़ो, अभी तुम इधर देखो। आए, अबे इसकी मैया मेरी मौसी, तुझे मैं बताऊंगी आकर के, रुक जा, भी आती हूँ। oh, no. ना इस कथन को कोई सीरियस ना ले। देखो अपन बड़े और इज्जत वाले लोग हैं यार, ऐसे ही किसी के मुंह नहीं लगते, जो पूछता है सिर्फ उसी को बताते हैं। और उस ससुरा कहाँ कुछ पूछा, वो तो सीधा लॉ भी भेज दिया। अब यार देखो मैं लैंड कर रही हूँ और वो बंदा तो मुझे दोबारा नहीं मिला, पर उसकी जगह जो टीम मिलती है ना, देखकर तुम्हारे तो तोते उड़ जाएंगे। नहीं मतलब ऐसे थोड़े बहुत तो मेरे भी उड़ गए थे, अब तुम देखते जाओ यार। अब यार जिस तरह वो दूसरा बंदा भागा ना, मुझे मेरे टीममेट से याद आ गए, बस फिर ले लोमड़ी के। यार ये वाली कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है, मैं फटाक से जाती हूँ इस बंदे को फिनिश करने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें मुझे मेरे टीममेट्स नजर आए थे, तो पकड़ के धोना जरूरी था। और उसके बाद मुझे मिलता है एक और बंदा, और मेरे पास सिर्फ यूज ही थी। आजा आजा, अरे ये बॉट किसका है? हाँ आजा 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 आजा, अब यार इनको फिनिश करके मैंने वही किया जो कोई भी महान मूर्ति करती है, लूट। और देखो यार ठीक ठाक लूट तो मुझे नहीं मिली थी, बट हाँ काम मेरा चल गया था। और इस काम को चलाने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी हेल्थ लगाई, क्योंकि यार कोई सतरंगी शुतुरमुर्ग आए और मार मार के मेरी तबीयत हरी कर जाए, मुझे थोड़ा मजबूत हो जाना चाहिए ना। और उसके बाद यार देखो एक सतरंगी शुतुरमुर्ग मुझे मिलता भी है। और ताऊ, कभी अमीर बंदा नहीं देखा क्या? अबे पैसे मुझ पे भी बहुत है, ठीक है ना? हाँ सारे मांगे हुए तेरी। देखो यार मैं इसको तुरंत फिनिश करूंगी, क्योंकि मामला यहाँ पर्सनल हो चुका था यार। ई ससुरे को मेरा सीक्रेट जो पता चल गया था। अब यार इनको फिनिश करके मैंने इनकी पेटियों को मस्त लूटा लपाटा और जीवन में सुख की अनुभूति की। पर तभी मेरे अंदर की औरत जाग गई और उसने बोला, लेमन चल पड़ोसी के घर में जरा ताका झाकी करते हैं। कौनो दिख का, ओए ए, ए, बुरा लग गया क्या इसको? बहन गए भाई ये, इतना मारूंगी पहले हेल्थ लगा लेंगे फिर बताती हूँ कितना मारूंगी। अब यार देखो मस्त हेल्थ लगाई थी कि तभी मुझे दिखते हैं सामने की ओर बंदे, तो पहले मैं उन पर फायर करने वाली थी, पर फिर मैंने सोचा यार बड़ी देर हो गई, मैंने अपने नेट का कमाल नहीं दिखाया, मतलब दिखाया पहले भी था पर वो तो बंद आंखों से दिखने वाला था ना, इसको तुम खुली आंखों से देखो। अब यार इसको नॉक करके तुर्रम खान तो मैं बंद ली, लेकिन उसके बाद बंदों ने धड़ाधड़ मेरे घर में नेड किए। और ये देखो जिस हिसाब से मुझे फुट्स आ रहे थे, मैं समझ गई थी कि यहाँ पूरा आतंकवादी संगठन आ रहा है, इसलिए मैंने सीधी मौली कर दी। तभी मुझे इधर से साउंड आता है, क्या बोलती पब्लिक, भाई क्या ही सही टाइम पे जंप किया ना, ये बंदा यहाँ पर मौली कर रहा था और तभी मैं इस पर जंप कर जाती हूँ। अब यार इसको फिनिश करते मुझे सामने एक बंदा भागा भागा हुआ दिखता है, और उसके बाद मैं बड़ी देर तक इसका यहीं खड़े खड़े इंतजार करती रहती हूँ। बस सामने वाले दुश्मन में इतनी चुल है तो और क्या चाहिए यार।
अब यार पहले तो इसके फुट सामने से आ रहे थे, अब आ रहे हैं ऊपर से। अरे आ जा लोमड़ी के, अब क्या मुंह दिखाई लेगा। ले ओ यार, इतना प्रचंड प्लान बना के आया बंदा ये दिन देखने के लिए। अब यार यहाँ के बंदों को कुछ तो समस्या है यार। सारे एक एक करके आ रहे हैं, दो दो आ गए। अबे ए, ए, ए। बाप रे, भाग ले लेमन। नहीं, लड़ देती हूँ, नहीं भाग जाती हूँ। अबे इसकी मैया वापस आएगी। मैं अब यार मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, सोचती हूँ कि यहाँ से रिकॉल होकर के वापस जाऊंगी। और मैंने यहाँ जो चमत्कार किया बस देखते ही जाओ। यहाँ पर कुछ बंदे पहले से ही मौजूद थे और सामने वाले घर में, मतलब इस वाले घर में एक और भी बंदा छुपा हुआ था, तो मैं पहले उसके निकलने का इंतजार करती हूँ। आया आया, और अब तुम देखना मेरा चमत्कार अपने ही प्लानिंग पे कैसे पानी फेरते हैं। भाई मैं तुम्हें आज सिखाती हूँ। देखो पहले तो मैंने अपने आप को रोका, पर फिर मेरे फेफड़ों में खुजली बढ़ गई, तो मैं जाकर के पंदों से पंगा ले ली। अब यार इसको फिनिश करके मैं थोड़ा सा रुकती हूँ और फिर दूसरे बंदे को ढूंढने निकल जाती हूँ। बहन का भैया। खैर वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।